हेलो एवरीवन, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू एआईओ कंप्यूटर जॉन। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमएस वर्ड में दिवाली स्पेशल पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं एमएस वर्ड को ओपन कर लेती हूँ। तो उसके लिए सिंपली आपको कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करना है, एंड देन आपको इस रन डायलॉग बॉक्स में बिन बट टाइप कर लेना है, देन इंटर। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेज लेआउट टैब में जाना है, एंड देन आपको साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से मैं पेज का साइज A3 सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, A4, A5। एंड देन आपको इंसर्ट टैब में जाना है, होम टैब के जस्ट बगल में इंसर्ट टैब। देन इलस्ट्रेशंस वाले ग्रुप में सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड देन आपको यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेनी है और इसे कुछ इस तरीके से पूरे पेज में ड्रैग कर देना है, और इसे मैं प्रॉपरली सेट करूँगी। ये सेट हो चुका है, एंड देन आपको माउस का राइट क्लिक करना है, देन फॉर्मेट सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस फॉर्मेट सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉर्मेट सेव की छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मेट सेव की छोटी सी विंडो ओपन हो चुकी है। देन आपको इस फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन ग्रेडियंट फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एंड देन मैं इसे बिल्कुल सेंटर में लेकर के आऊँगी, और यहाँ पे मैं डार्क रेड कलर सेलेक्ट कर लूँगी और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेकर के आऊँगी, और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करूँगी। और आप जो भी यहाँ से डायरेक्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ और क्लोज कर देती हूँ, एंड देन आपको क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है दिवाली बॉर्डर PNG, देन आपको इस इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको जो भी पेज बॉर्डर पसंद आए आप अपने अकॉर्डिंग पसंद कर सकते हैं। तो मुझे ये पेज बॉर्डर पसंद आया तो मैं इसे सेव कर लूँगी। तो इसे सेव करने के लिए आपको इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, एंड देन आपको सेव इमेज एज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देन सेव। तो ये सेव हो चुका है। इस इमेज का मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगी, तो उसके लिए आपको remove.bg सर्च करना होगा। remove.bg मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ, remove.bg, देन इंटर, एंड देन आपको इस अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप जिस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए, एंड देन इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और ये डाउनलोड हो जाएगा, एंड देन आपको इमेज वर्ड को ओपन कर लेना है, देन इंसर्ट टैब में जाना है, इस पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जिस इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए, एंड देन आपको इस रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये जो इमेज है वो मूव होगा, आप इसे इधर उधर मूव कर सकते हैं, और मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा करूँगी कुछ इस तरीके से। इसे पूरे पेज में आपको प्रॉपरली सेट कर देना है। तो ये सेट हो चुका है, एंड देन अगेन आपको ब्राउज़र को ओपन करना है और आपको सर्च करना है माँ लक्ष्मी इमेज PNG, देन इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जो भी इमेज आपको पसंद आए आप उसे सेव कर लीजिए। मुझे ये इमेज अच्छा लग रहा है तो मैं इसे सेव करूँगी। तो सिंपली इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करूँगी, एंड देन सेव इमेज एज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी, देन सेव।
इसका भी बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना होगा, तो मैं रिमूव डॉट बिजी अब सेट करना होगा, देन अपलोड इमेज। इस इमेज का मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी, देन डाउनलोड। ये डाउनलोड हो चुका है, देन आपको इमेज वर्ड को ओपन कर लेना है, इंसर्ट टैब में जाना है, इस पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी, देन रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इसका साइज मैं कुछ इस तरीके से शिफ्ट के साथ बड़ा करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी बड़ा करना चाहते हैं, छोटा रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं, कर सकते हैं। एंड देन आपको इंसर्ट टैब में जाना है, शेप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इलस्ट्रेशन वाले ग्रुप में, और यहाँ से आपको एक टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर लेना है और इसे कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है। यहाँ पे मैं सर्च करूँ टाइप करूँगी हैप्पी दिवाली, एंड देन मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और होम टैब में जाऊँगी, साइज थोड़ा इंक्रीज करूँगी, एंड टेक्स्ट का स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दूँगी और साइज थोड़ा और इंक्रीज करूँगी, और टेक्स्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से ऑरेंज सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन आपको इस फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है, देन सेव फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, और यहाँ से नो फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देन सेव आउटलाइन नो आउटलाइन, और इसे प्रॉपरली आपको सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो ये सेट हो चुका है, एंड देन अगेन आपको ब्राउज़र को ओपन करना है और आपको सर्च करना है दीपक PNG, देन इमेज, जो भी इमेज आपको पसंद आए आप अपने अकॉर्डिंग पसंद कर सकते हैं। तो मुझे ये इमेज पसंद आया तो मैं इसे सेव करूँगी, सेव इमेज एज, देन सेव, देन मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगी, अपलोड इमेज, इस इमेज को सिलेक्ट कर लूँगी, देन डाउनलोड। तो ये डाउनलोड हो चुका है, देन मैं एमएस वर्ड को ओपन करूँगी, देन इंसर्ट टैब में जाना है आपको, इस पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपने जहाँ भी सेव किया है आप इस इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए, देन रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसे कुछ इसका डुप्लीकेट कॉपी करूँगी। तो उसके लिए सिंपली आपको माउस की कर्सर को इस लाइन के ऊपर लेकर के जाना है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से शो होगा। तो सिंपली आपको कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करना है तो आपके सामने प्लस का आइकन आ जाएगा, और आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसे कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है तो इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा, या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ D भी प्रेस करके इसका डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से मैं इसका डुप्लीकेट कॉपी कर लूँगी। आपको भी कुछ इस तरीके से इसे सेट करना है जितना भी डुप्लीकेट कॉपी हो। तो ये हो चुका है, अगर आप खुद का इमेज लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। देन मैं ब्राउजर ओपन करूंगी और मैं सर्च करूंगी माँ लक्ष्मी चरण इमेज, देन एंटर, देन आपको इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जो भी इमेज आपको पसंद आए आप उसे सेव कर सकते हैं। मैं इस इमेज को सेव कर लेती हूँ,
सेव इमेजेस, देन सेव, इस इमेज को भी मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, सेव इमेजेस देन सेव। इसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, अपलोड इमेज, और इसका बैकग्राउंड मैं रिमूव करूँगी, डाउनलोड। देन मैं एमएस वर्ड को ओपन करूँगी, इंसर्ट टैब में जाऊँगी, पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, इस इमेज को सिलेक्ट कर लूँगी, देन रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसे कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे रखूँगी। इसका साइज मैं थोड़ा इंक्रीज करूँगी, हो चुका है। एंड देन अगर आप खुद का इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगी, देन रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसका साइज मैं थोड़ा छोटा करूँगी कुछ इस तरीके से, और इसे शेड कर लूँगी यहाँ पे। इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं है, तो मुझे इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, या फिर इसका बैकग्राउंड रिमूव, इससे मैं सिलेक्ट करूँगी, इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव है, रैक टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसे कुछ इस तरीके से मैं प्रॉपरली सेट करूँगी। इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा करूँगी इस तरीके से। एंड देन आपको अगेन ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और आपको मनी PNG सर्च करना है, देन इमेज, और मैं इस इमेज को सेव करूँगी, सेव इमेजेस देन सेव। इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, तो मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेती हूँ, डाउनलोड्स, इस इमेज को सिलेक्ट करूँगी, एंड देन डाउनलोड, तो ये डाउनलोड हो चुका है। देन मैं एमएस वर्ड को ओपन कर लेती हूँ, और इंसर्ट टैब में जाऊँगी, पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, और मैं उस इमेज को सिलेक्ट कर लूँगी, देन रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसे कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे रखूँगी। इसका डुप्लीकेट कॉपी करूँगी, वैसे ही कीबोर्ड में आपको कंट्रोल प्रेस करना है, और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके से कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है। एक और मैं इसका डुप्लीकेट कॉपी करूँगी, और इसे प्रॉपरली मैं बिल्कुल सेंटर में सेट कर दूंगी। इसका साइज मैं थोड़ा छोटा करूंगी कुछ इस तरीके से, थोड़ा और छोटा कर लूंगी, इसे मैं यहाँ पे रखूंगी। इसका भी डुप्लीकेट कॉपी करूंगी कुछ इस तरीके से, तो फाइनली आप देख सकते हैं दिवाली पोस्टर डिज़ाइन बन चुका है। तो आप कुछ इस तरीके से एमएस वर्ड में दिवाली पोस्टर डिज़ाइन बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।